किसको? एक मिनट रुक जाओ, ए अरविंद पीछे पीछे कटवेज लेने दे, बोलना विनय, चलो रेडी जी। नर्वस तो पता नहीं, मैंने अभी इतना कुछ दिमाग में चल रहा है कि अभी नर्वस है कि खुश है कि क्या है, अभी तो वही पता नहीं है। मेरे ख्याल से ये सब, ये जो बम फटा है तो जब धुआं हुआ हट जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। या आई एम वेरी हैप्पी विद द बज ऑफ द फिल्म एंड फिर उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ, मैंने एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ बढ़ गए हैं, कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिल्म दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी। अब ये 18 के बाद ही पता चलेगा। जी वो बड़ा अलग तजुर्बा रहा एक्टर होने के नाते, आप जब डायरेक्ट करने आते हैं तो वो दुनिया ही अलग हो जाती है। उधर जो है लोग आपका ख्याल रखते हैं, आप अपना सीन करते हैं, अपना अलग बैठते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर अलग ही दुनिया है जिसमें आपको 150 लोगों को अपने साथ लेकर के चलना है। तो दिन रात जैसा फ़र्क रहा, लेकिन जो भी था तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। नो, इट हैपेंड एज इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, इन द सेंस कि खास सोच करके ऐसा नहीं था कि इस किस्म की फिल्म लिखनी है। पहले हमने पहले कहानी लिखनी शुरू की और जो कहानी बनती चलेगी उसको बनाया, एंड इट्स फॉर्चुनेट दैट इट्स रन ऑफ डी कॉमेडी। ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमेडी का ये भी रहता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि उस अगर वो काम कर जाए तो वो ज़्यादा लोगों तक जाती है, वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, अच्छी बन जाए तो उसको बेहतर सराहा जाता है। सो वो एक रिस्क है कि आपने दाव खेला है, अभी क्या होगा, लेकिन ये वो वाला दाव जो खेला जा सकता है, यू प्ले फॉर द 7, लग गया 70 तो 70, नहीं तो फिर दोबारा देख लेंगे। नो, दे शुड वन, हम लोग ने बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत के साथ ये फिल्म बनाई है। वी डू बिलीव इट्स अ वेरी इन्जॉयबल फिल्म, और आप लोग आकर ज़रूर देखें। इनफैक्ट आप जितने ज़्यादा लोग घर के साथ आएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्त भी, क्योंकि आपको स्क्रीन में कोई ना कोई किरदार ऐसा दिखेगा जिसके साथ आप जीते हैं और वो आपके साथ ही बैठा हो तो एक अलग मज़ा है। क्या देख तू तो ऐसा मज़ा इस फिल्म में है और मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। वतन है वतन आबाद रहे तुम, किसके लिए कर रही है पवन, छोड़ दी जी। सीमा जी रियली थैंक यू, नहीं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि जब हमें अपने काम पे विश्वास होता है तो हमें मालूम होता है लोगों को बहुत पसंद आने वाली है फिल्म। देखिए मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहती हूँ वो ये कि आज तक 5वीं फिल्म आ रही है मेरी, मैं कोई करेक्टर अलग नहीं कर रही, वही माँ हूँ, वही लड़की की परेशानी में घिरी हुई हूँ, उसकी शादी होगी नहीं होगी, सब सेम रोल आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसमें फिर आपको एक नया फ्लेवर दे सकूं, और हर फिल्म में मैं कोशिश करती हूं कि कुछ एक नया एक ऐसा स्टाइल हो जो आप लोगों को अलग से एक अलग माँ दिखाई दे, तो इसमें भी मैंने बहुत कोशिश की है और मुझे लगता है आप लोग इंजॉय करेंगे। आई लव यू ऑनेस्टी, बहुत ईमानदारी से हम कह रहे हैं। डू यू वरीड अबाउट कि विल गेट टाइपकास्ट?
टाइप कास्ट अब क्या करें, हमारे हमारे हिंदी सिनेमा में थोड़ा सा ऐसा मजबूरी हो जाती है लोगों की कि औरतों को किसी और रूप में देख नहीं पाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस फिजिक के साथ मैं रह रही हूँ आजकल, मुझे लगता है मेरे अंदर एक माँ दिखाई देती है लोगों को शायद, इसलिए वो खींचे चले आते हैं। देखिए घरेलू फिल्में जब जब आएंगी या घरेलू समस्याएं जब जब उठाई जाएंगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी कहानियां जब जब दिखाई जाएंगी उन्हें अट्रैक्ट करेंगी, उनमें अपनापन उन्हें दिखाई देगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, बहुत सारे करेक्टर्स अपने जैसे लगेंगे, अपने परिवार के लोग लगेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी गारंटी रहती है इस तरह की फिल्मों के चलने की जिसमें हमारे अपने परिवार के लोग दिखाई दें हमें। चलो ठीक। आप लोगों का सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपके साथ ही कलाकार फिल्म बना रहे हैं, अभी देखी नहीं है तो फिल्म की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि भाई कैसा लग रहा है? भाई बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैं शुरू कर दूँ पल्लवी जी? हाँ, बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये बड़ी खुशी की बात होती है हम एक्टरों के लिए जब हमारे ट्राइब से कोई ना कोई अकलमंद आदमी फिल्म बनाता है, हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ी खुशी होती है। हम सबकी इच्छा और हम सब में एक डायरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा रहता है, बड़े सालों तक वो छुपा रहता है, कभी कभी जन्म लेता है, कभी कभी जन्म नहीं ले पाता है, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में वो खुशकिस्मती है कि वो जन्म ले तो उनके लिए बड़ी बढ़िया ज़िंदगी है। आगे आप एज ए डायरेक्टर काम कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि जब पूरे कलाकारों की कौम का कीड़ा मेरे से निकल रहा है। नहीं देखिए, दिल से फिल्म बनेगी, फिल्म दिल से बनेगी और क्राफ्ट के साथ बनेगी, उसको कौन रोक सकता है। तो क्या आगे देख सकते हैं एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर किसे देख सकते हैं? आपकी बात मुझे, मैं बड़े सालों से मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते, लेकिन कुछ एक चीज़ है जो मुझे, उसको मैं लेजीनेस कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, कोई डिफेंस नहीं है मेरे पास अपने लिए। अकल आ गई है, अकल कई साल से आई हुई है, लेकिन शेयर लेजीनेस, आलस नहीं जा रहा, आलस। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर्ष टुडे। कितने साल हो गए हर्ष? मेरे ख्याल से 94 में मैंने एक सीरियल बनाई थी आरोहण नाम से, जिसमें हर्ष ने काम किया था, वो हमारी पहली मुलाकात थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, एंड इट्स अ ग्रेट यू नो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दैट एज उच्ची राइटली सेड दैट हम में से कोई जब एक डायरेक्टर बन जाता है या कोई और चीज़ करता है एक्टिंग के अलावा, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड नोइंग हर्ष एज एन एक्टर, मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि फिल्म भी वैसी ही उन्होंने सेंसिटिवली बनाई होगी जैसे वो खुद जिस तरह के एक्टर हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज सब आई कैन सी द फिल्म इज़ फिल्ड विद वंडरफुल एक्टर्स, सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, आई नो दैट इन एडवांस। समथिंग दैट आई ऑल्सो मिस्ड, आई एम सॉरी आई एम बटिंग इन, लेकिन ये जो पूरी टीम देखी है ये सब के सब तुर्रम खान एक्टर हैं, और जब तुर्रम खान एक्टर मिलते हैं बढ़िया लिखाई होती है तो फिर जो जीता वो इस सिकंदर हो जाता है। जी जी, नहीं किसी की, देखिए किसी एक शख्स की एक्टिंग से कोई जलवे नहीं होते, जलवे होते हैं जब बढ़िया टीम आती है, अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सब में ये क्षमता है कि वो अच्छा काम करें, लेकिन जब कड़ी से कड़ी मिल जाती है और वो चेन बन जाती है फिर उसका आनंद है, वो लड़ी का आनंद है, अकेलेपन का आनंद नहीं है। वो ज़माना अब नहीं रहा हिंदुस्तान में कि अब मेरा देखना भाई चेन, नहीं नहीं वो बेकार है, वो ज़माना गया। मतलब पोस्टर्स देख के ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि सबके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है और सबने बहुत एंजॉय की है फिल्म, तो जब एक्टर्स एंजॉय करते हैं फिल्म कोई भी करना तो वो ऑडियंस को समझ में आ जाता है एंड देन ऑडियंस ऑल्सो एंजॉयज इट। सो आई नो इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म, लेकिन फिल्म के बाद दोबारा बात करेंगे। जी हां, शुक्रिया। आप लोग आदिवन साहब भी आ रहे हैं, उनका विजुअल मेरे दोस्त हैं। हां,
की जाए इनका पहले विजन काफी शुभ बातें बातें में लेकर क्या कर आपने बोलना शुरू किया था मैं ये कह रहा था कि मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं आसमान से गिरा हुआ हूँ, लेकिन ये फिल्म मुझ में है क्योंकि ये जितने सारे कलाकार कहाँ गए, हर्ष प्लीज, ये जो हर्ष छाया जी हैं इनके साथ मैंने अपनी पहली प्रोडक्शन मेम साहब जो मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया तनाज करीम और हर्ष के साथ, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी और बहुत कम इंटेलिजेंट एक्टर्स होते हैं और हम यही चाहते हैं कि इंटेलिजेंट एक्टर्स ही डायरेक्टर्स बने क्योंकि देन यू हैव अ गुड फिल्म, दो लोगों ने वही बात बोल दी तो. और इस फिल्म में ऐसे कुछ कलाकार हैं, खास करके मेरे खास दोस्त विनय पाठक साहब जिन्होंने मेरे साथ गौर अली दास्तान किया था, आई कैन नेवर फॉरगेट the portrayal that he gave in my film. So this film is very, very personal to me. I really wish this film a lot of success. And we need actors turned directors like Harsh to be successful. Agar hamare cinema ko thodi si importance, thodi si achhai, thodi si sensibility hum chahte hain, to I wish Harsh all the best. Khajoor mein nahi atkega ye ude. कौन सा सेंटर? ये सेंटर. ओके बता दो यार, बहुत लाइट है. ओके ऑफ कैमरा, ऑल कैमरा. ओके वो कुछ सुना नहीं दिया. क्या कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? कितने एक्साइटेड हैं आप लेके अरोड़ा? यार ये मेरी पहली मूवी है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त. एंड मतलब इतना एक्साइटेड कि मुझे समझ में आ रहा कि मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँगा. But yeah, it's I feel like a blessing. I'm really, really excited, and I'm surrounded with so many great, great, great people. I've my friends who've been there with me since the start, and are still standing right next to me. So it feels great. Yeah, it's just amazing. I'm here to support my friend Vicky Arora. Okay. He's one of the most. I keep saying this, one of the most dedicated person I've known, you know, dedicated human being and an actor and very, very passionate about his work. And his first film, Khajoor Pe Atke, releasing on 18th May. So we are here to support him and very, very excited. I know he deserves the world. Thank you very much. Do you want to say something? I'm very emotional. Vicky ki pehli picture release. It's okay. It's okay. Meri movie hai. Don't worry. I'm so emotional. Okay, I really have to say this. ये पेंडोरा है, एकदम टैलेंट का पेंडोरा बॉक्स है. एक्शन, डांस, यस, एक्शन, डांस, इमोशन, रोमांस. आई जस्ट हैव टू से कि जितने भी हीरो हैं सबकी छुट्टी होने वाली है बिकॉज विकी अरोरा हैज अराइव्ड. विकी अरोरा हैज अराइव्ड गाइस एंड दिस इज हिज फर्स्ट. सारे सीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बुरा ना माने. सबकी छुट्टी होने वाली है, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. And he's gonna rock, and I'm really, really very happy because yay, this is his first film. I'm so happy, Vicky. So happy for him. Thank you very much. हर्ष मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने जॉली LLB में साथ में काम किया था.
और जब हर्ष ने मुझे बताया कि वो फिल्म बना रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने हर्ष की कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, जो एक किताब इन्होंने पब्लिश की थी, और मैं बहुत उत्सुक हूँ फिल्म देखने के लिए, और मुझे ये उम्मीद है कि फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा एंसेंबल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म में, और मैं बहुत उत्सुक हूँ सब लोगों को देखने के लिए। सर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है आजकल के जो इंडियन सिनेमा की, जब बात है छोटे बजट के जो फिल्म होती है, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी होती हैं जो बहुत सारा खूब पैसा लग जाता है, लेकिन वो भी खास नहीं होता। आप कैसे देखते हैं ऐसे फिल्म को? नहीं यार, आप ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी पिछले 4-5 सालों में थोड़ा वक्त बदला है। फिल्म का अगर कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म लोगों तक पहुंच रही, लोग अच्छा कंटेंट देखना चाह रहे हैं, और लोग अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुस रहे हैं कि इस फिल्म में कौन कितना बड़ा स्टार है। तो वो एक परिवर्तन है, एक बदलाव आया है, और मुझे नहीं शक है कि अगर ये फिल्म अच्छी हो, लोगों को पसंद आए और इसका एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाए, तो मैं समझता हूँ लोग इसे देखने आएंगे। कमी तो यार एक लंबी कहानी है, कमी जिस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, पीएनए का जो प्रेशर फिल्मों पर होता है, जिस तरह से स्क्रीन्स के लिए, शोज़ के लिए छोटी फिल्मों को लड़ना पड़ता है, बड़े स्टार्स की फिल्म से कम्पीट करना पड़ता है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। अगर बात करें हम अभी की, तो एक अच्छा कास्ट होना एक अच्छी स्टोरी होना क्या इम्पोर्टेंट हो गया? देखिए, मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट से बड़ा कुछ नहीं होता, और चाहे आप हों या मैं हूँ, हम भी जब फिल्म देखने जाते हैं तो हम देख के यही कहते हैं कि अच्छी फिल्म थी या बुरी फिल्म थी ना। हम ये नहीं कहते हैं कि फिल्म बुरी थी लेकिन सलमान खान अच्छा था, है ना? तो स्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में अच्छी कास्ट हो, जो खजूर पे अटके में नज़र आ रही है, मतलब सीमा पावा आप जानती हैं कितनी कमाल की, मनोज हैं, विनय हैं, बहुत सारे और लोग हैं, तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, और मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा उसमें एक सटायरिकल एलिमेंट है, तो मैं समझता हूँ अगर फिल्म अच्छी बनी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो लोगों को पसंद आती है और लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि जब हम फिल्म शूट कर रहे थे, हमारी गुजराती फिल्म, तब ये लिख रहे थे, तब मैंने इनके हाथ में काफ़ी सारे ड्राफ्ट्स देखे थे, ये स्केचेस बना रहे थे अपने सीन्स की, तो मैंने इनसे पूछा था, यार आपकी फिल्म में मेरे लिए तो रोल है नहीं, मैं मुझे नहीं लिया आपने फिल्म में, यू डिडंट टेक मी इन योर फिल्म, दैट्स नॉट फेयर, तो बात अधूरी है, बट एनी वे विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू हर्ष, सीरियसली ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई लव द ट्रेलर, एंड आई एम श्योर मुझे फिल्म देखनी है, तो फिल्म देखने के बाद मेरे कुछ व्यूज ऑनेस्ट व्यूज होंगे, बट यस आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय द फिल्म, सो ट्वीट कर देना, मैं वहां पर लूंगा फॉर श्योर, सो प्लीज 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 वॉच फॉर हर्ष छाया खजूर पे अटके। अविनाश जी, मैं आप मेरी आपसे मुलाकात विनीत जी के यहाँ, हाँ विनीत भाई के यहाँ हुई थी, और आपसे मेरी मुलाकात उससे बहुत पहले आपकी फिल्मों और आपके कामों के जरिए हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ही खूबसूरत अभिनेता हैं। इसके साथ ही मेरा जो आपसे परिचय है वो इस लिहाज से भी है कि आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, है ना, और जो एक बहुत अच्छा कवि होता है वो अपने समाज और अपने समय को, अपने मुल्क को और बाकी तमाम तरह की संवेदनाओं को बहुत अच्छे तरीके से देखता है और समझता है, तो मुझे उम्मीद है कि इनकी फिल्म में वो सारी चीज़ें बहुत ही अलहदा अंदाज में आई होंगी, और जैसा कि ट्रेलर हमने देखा, मुझे लगा कि बहुत बारीकी से आपने अंतर मन को, जो आदमी का है उसकी 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 सतहों को आपने बहुत कायदे से छुआ है, जो जिंदगी जी है उसको, हाँ मतलब ऐसी चीज़ें जो हम चलते हैं और उस पर नज़र नहीं टिक पाती हमारी, वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि फिल्म को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हर्ष छाया जी को देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी फिल्में वो बनाएं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कामयाब बनी रहे। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई सवाल पूछना है? हां सर, पहले बिल्कुल ले लेना।
मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा उनको मालूम है। Let's go. Hi guys. क्या हाल है? Okay. हाँ जी। तो सर खजूर पे अटके आज उसकी स्क्रीनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? First of all, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विक्की के लिए यहाँ पर आया हूँ। विक्की, मेरे को 15 साल हो गए हैं यहाँ पर, और अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे मेहनती लोगों के नाम लो, पहले पांच में विक्की का नाम ज़रूर आएगा। एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, ऑफकोर्स साथ में टैलेंटेड भी है, वो तो सबको पता है। एंड जो फिल्म का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कहा यार ये फिल्म देखने को मिल जाए मुझे तो मज़ा आए, और विक्की का फ़ोन आ गया था कि आप आओगे उस पर, तो आई वॉज ऑलरेडी वेटिंग। अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं काफ़ी गुस्सा होता, बिकॉज द ट्रेलर इज़ फनी, ऑल द एक्टर्स इन दिस फिल्म, जब भी मैं वो ट्रेलर देखता हूँ तो सबका एक अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, उनकी फैमिली में, उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे चाचा मामा ताया कजन्स वजन्स होंगे जो सब सही है, स्टोरी है, नॉट कहीं ना कहीं रिलेटेबल है ही है, फैमिली में होता ही ऐसा कोई ना कोई। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाई है ना कि ट्रेन की टिकट, अच्छा टिकट बदलवानी पड़ेगी एंड ऑल, ये सब चीज़ें सबकी फैमिली में होती रहती है, सो दैट इज़ गुड। बट यू नो वी वेरी हैप्पी कि हमारा जो लड़का है उसकी फर्स्ट फिल्म, हमारा खजूर हमारे ग्रुप में ये जोक चल रहा है कि हमारा खजूर है। एंड आई जस्ट वांट टू विश द होल टीम बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वांट टू विश विक्की, इसकी फर्स्ट फिल्म है ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक, मेनी मोर टू कम, एंड आई होप इट्स अ ह्यूज सक्सेस। अभी हम देखने वाले हैं, इसके बाद अगर कोई फिल्म के बारे में जो कुछ पूछेगा तो मैं उसके बारे में बता पाऊंगा, बट सो फार बहुत फनी लग रही है, एंड काफ़ी दिग्गज एक्टर्स हैं, उसके बीच में हमारे भाई ने कुछ काम किया है, अगर मैं इसके बारे में बाद में कुछ नहीं बोलूंगा मतलब इसे काम ठीक नहीं है। बहुत फनी टाइटल है, जैसे बचपन में वो ना बहुत सारी ऐसे कहावतें होती थी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कि एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। प्रॉब्लम नाम से ही पता लग जाता कि इसमें जो फैमिली के जो प्रॉब्लम जो बढ़ते ही चले जाएंगे, एंड वही मैं देखना चाहता हूँ कितना मजा आएगा फिल्म देखने में। थैंक यू गाइस। Thank you.